सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि हम दोनों में से जिसकी मर्जी गलती हो ये खुद मान जाते हैं मेरी गलती है, मतलब माफी यही मांग जाते हैं। मेरी भी गलती हो तो कहते हैं मेरी गलती है। कभी आपने देखा हो कि किसी बेगम ने एक अपने हस्बैंड को मनाया हो? हमेशा हस्बैंड ही जाता है बेगम के पास। ये ही सुना सकती है मेरी तो इतनी बकरों जैसी आवाज, सीधी सी बात है भाई। इनकी आंखें माशाल्लाह शुरू से ही नशीली रही है, मैं तो इसी पे फिदा हो गया हूँ, सीधी सी बात है। औरत में दो है और बहस में चार है। ये तो सभी जानते हैं। क्या करो, इनको देख के सारा कुछ भूल जाता है। सही है, नहीं इतनी बुरी नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिद्रा। ये क्या लगता है आप? हस्बैंड है। ओके, हस्बैंड है। तो की शादी को कितना टाइम हुआ? 2 years। ओके, तो यहाँ क्या करने आए? मैं ऐसे इंजॉय करने आए, मैं घूमने फिरने आए। ओके ओके, आपसे एक सवाल है, उसका जवाब देना कॉमन सेंस का। वैसे कौन सी चीज़ है जो सुबह पैदा होती है दोपहर को बूढ़ी होती है और रात को मर जाती है? सुबह पैदा होती है दोपहर को बूढ़ी होती है और रात को मर जाती है। हाथमा। हाथमा उसका क्या होता है? उसका हाथमा हो जाता है, मर जाती है। पता हार गए। कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई पोटली या कोई सॉन्ग? नहीं नहीं नहीं, सुना दो आप, सुना दो। मैं आपसे भी आंसर करती फिर आप। ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द अपनी बीवी की देख सकता है, गर्लफ्रेंड की देख सकता है, पर माँ की नहीं देख सकता? ये बहुत आसान है। अच्छा, नहीं अंदाजा है। ये तो वीडियो की लास्ट में बताना पड़ेगा। ये तो नहीं अंदाजा है। तो फिर दोनों मिलके कुछ सुना दे। ये ही सुना सकती है मेरी तो इतनी बकरों जैसी आवाज, सीधी सी बात है भाई। चले मिलकर कुछ सुना दे, या आप इनको डेडिकेट कर दे, आप इनको कर। हाँ चले सुना दे। सुनाए, इनकी आवाज अच्छी है, इनकी आवाज अच्छी है। स्टार्ट हस्बैंड से। मैं चले, हस्बैंड हर जगह फंस जाता है, जारी सी बात है। फिर क्या कह सकते हैं, गरीब का बच्चा जो है वो हर जगह फंसता है। हस्बैंड पहले फंस जाते हैं बेचारे। मैडम के लिए सॉन्ग सॉन्ग ही सोच रहा हूँ कि कोई आ जाए माइंड में, वो भी नहीं आ रहा। यकीन माने नहीं आ रहा। इनकी माशाल्लाह आईज क्यूट लग रही है, तो इनकी आईज पे कोई सॉन्ग सुना दो, लाइक कोई कोई भी। नहीं, इनकी आंखें माशाल्लाह शुरू से ही नशीली रही हैं, मैं तो इसी पे फिदा हो गया हूँ, सीधी सी बात है। और तो कोई इतना नहीं है खास। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी लव मैरिज है अरेंज? अरेंज है मैम हमारी। तो लव अरेंज के बाद? जाहिर सी बात है, अरेंज के बाद ही लव हुआ है। सॉन्ग छोड़े, आप एक दूसरे की खामियां और अच्छाइयां बताएं। हां, ये बड़ी जल्दी रूस जाती हैं, बस बात बात पे यूं बस गायब हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता मैडम का गुस्सा किधर है। मैं उस सोच में पड़ जाता हूँ कि ये गुस्से में है कि प्यार से देख रही है। सही है। तो आप दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? हस्बैंड ही करते हैं, सारी सी बात है। जब भी प्यार करते हैं हस्बैंड ही करते हैं, ठीक है। ये गुस्से में हो तो मनाते भी हस्बैंड है जाके। कभी आपने देखा हो कि किसी बेगम ने एक अपने हस्बैंड को मनाया हो? हमेशा हस्बैंड ही जाता है बेगम के पास। हाँ जी। जब ये नाराज होती है तो आप किस तरह मनाते हैं? कोई फ्लावर या कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या लेके जाते हैं? बस अभी भी नाराज थी, मना के लाया हूं। सही है। मैं इनके लिए फ्लावर्स लेके गया था आज, यानी कि आज के दिन की मुनासिबत से, क्योंकि इस नाम में वैसे भी जायज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि शादीशुदा भी है, लेकिन फिर भी इसी वजह से। सही। तो आप बताएं आप इनके बारे में। अच्छी क्वालिटी, अच्छी बुरी दोनों ही? उन्होंने भी दोनों बताई, उन्होंने एक ही बताई। सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि हम दोनों में से जिसकी मर्जी गलती हो ये खुद मान जाते हैं मेरी गलती है, मतलब माफी यही मांग जाते हैं। मेरी भी गलती हो तो कहते हैं मेरी गलती है। और बुरी बुरी ये है कि मूड बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाते हैं, बस फिर ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ज्यादा देर के नाराज कौन होता है? यही सारी सी बात है। मैं तो अभी बता रहा हूँ कि मैं बना के लाया हूँ। अभी सबसे एक्सपेंसिव ट्रीट अंदर जाके देने वाली है कि कोई गिफ्ट? ये तो डिपेंड करता है इनके ऊपर, मैं तो दे आया हूँ। वो तो दे आया। अब आप बताएं आपने इनसे क्या निकलवाना है, कोई ट्रीट या कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट?
एक्चुअल में ऐसा हुआ कि मैं ना ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो ये अभी आए हैं मेरे क्लिनिक पे, मुझे खुद नहीं पता था, वो रिंग और बुके और गजरे और पता नहीं क्या क्या, एकदम से सरप्राइज ली मुझे, इन्होंने सरप्राइज दिया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग इधर आ गए हैं, अब मैंने इन्हें ट्रीट देनी है। ओके, आपने दे दिया, सही, अच्छा मेरी बारी है। अच्छा अच्छा, अब आप बताएं फिर आप इनसे क्या लेंगे, एक्सपेंसिव क्या, लाइट सा कोई हल्का फुल्का? नहीं, जो भी जाना मेरी जेब से ही जाना है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं लाइट लूँ या एक्सपेंसिव लूँ वो तो वो डिपेंड नहीं करता। औरत में दो है और बहस में चार है। ये तो सभी जानते हैं। तो सभी जानते हैं, चलो आप बताएं, मैं तो नहीं जानती, मैं इसलिए तो लोगों से पूछती हूँ। नहीं, टांगों के अलावा कुछ है? टांगों के अलावा क्या है? औरत में दो है, औरत में दो है, बहस में चार है। क्या हो सकता है? मैंने तो बता दिया ये भी। अच्छा, पहले मुझे ये बताया आप करते क्या? मैं वकालत। माशाल्लाह यार, वकालत करते हैं तो आपको तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, अब मुझे तो यही समझ आई है कि टांगे। आज एक वकील मेरे हाथ आए। टांगे ही है। कुछ सुनाएंगे? क्या सुनाना? कुछ सॉन्ग या पोएट्री वगैरह। अच्छा, अपनी क्यूट सी बीवी को कुछ डेडिकेट कर दो। अपनी कुछ नहीं, नहीं। अच्छा चलें, शेर सुनाता हूँ। तुम असासा हो जिंदगी का मेरी, तुम्हें खो दूं तो फकीर हो जाऊं। वाओ जबरदस्त। अच्छा, आप अपने हस्बैंड को कुछ डेडिकेट करेंगी? इनके लिए कुछ है ही नहीं जो डेडिकेट करूं, सारा कुछ इनके लिए है। कोई सॉन्ग सुना दे या कोई पोटली कर दे इनके लिए। क्या करूं, इनको दे के सारा कुछ भूल जाता है। सही है, नहीं इतनी बुरी नहीं है। आप दोनों में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा करते हैं। और जब कोई नाराज हो जाए सबसे पहले मनाता कौन? मनाने का हुनर ज्यादा मुझ में है, लेकिन ये कोशिश करते हैं, नाकाम नाकाम कोशिश नाकाम करते हैं। लेकिन मैं मान जाती हूँ, मुझे पता है कि बस अब इनका मनाने का मूड है तो मैं मान जाती हूँ। जबरदस्त। तो जब आप नाराज होती हैं तो आप इनको क्या देखकर इनको राजी करते हैं? मैं वास्ता देकर। किसका? अपना ही। सॉरी, थैंक यू सो मच।